What do you mean फाइल रिजेक्ट हो रही है? ऐसे कैसे फाइल रिजेक्ट हो सकती है? हमने सब कुछ सही करके भेजा था। Listen, तुम वहाँ कलेक्टर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। Do you understand? DQ का प्रोजेक्ट मात्र एक साइन के बिना अटका है। Look, तुम्हें जो करना है वो करो। मीटिंग फिक्स करनी है मीटिंग फिक्स कराओ, बट एनी हाउ मुझे प्रोजेक्ट क्लियर चाहिए तो चाहिए। सर कोई यूके श्रीवास्तव आया, आपसे मिलने बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपके क्लासमेट हैं। यूके श्रीवास्तव नाम का तो लड़का था यार। हाँ, उज्जवल कुमार श्रीवास्तव। नहीं सर, कहाँ आप, कहाँ वो। बहुत सिंपल दिखाई देते हैं, हमको नहीं लगता कि वो आपके दोस्त हैं सर। बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है। हीरा लाल जी, ना ही आप हीरा हैं और ना ही लाल हैं। हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, और सक्सेसफुल आदमी के अंदर कुछ बात होती है लाइक मी। और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह भी हो सकता। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो खड़े खड़े हंस क्यों रहे हैं? जाकर भेजिए श्रीवास्तव जी को। जी सर, अभी भेजते हैं सर। अरे भाई उज्जवल, तुम तो पहचान में नहीं आ रहा। Have a seat. हाँ यार, वो एक्चुअली स्कूल के बाद मिले ही कहाँ। So. और बता, क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस अपनी एक सरकारी नौकरी है छोटी सी, और क्या। हमारे पिताजी भी सरकारी नौकरी ही कराना चाहते थे। अब तुम खुद देखो, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल भी जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता मैं? किसी PW में सीनियर इंजीनियर होता। बट आज मेरा खुद का बिजनेस है, और मेरा खुद का बिजनेस तुम्हारे उस सरकारी नौकरी पर हावी है। खैर, क्या लोगे? कुछ ठंडा गर्म या फिर कुछ स्पेशल मंगा दो? नहीं यार, एक गिलास पानी चलेगा बस। रियली? हमारे ऑफिस में आकर सिर्फ एक गिलास पानी? अरे कैपुचिनो मंगा देता हूँ, या फिर कहो तो स्कॉच खोल देता हूँ। अब इतने साल बाद मिले, धंधा तो बनता है ना? नहीं यार, थैंक यू, बट मैं पिता नहीं हूँ। जी सर। सर के लिए एक गिलास पानी लाना भाई। सर पानी ही लाना कि पानी के साथ कुछ और? सर फिलहाल मैंने क्या बोला? जी सर पानी। तो फिर डाउट है क्या? डाउट ये है सर कि पानी ही लाना है। सर पानी ही लाना है। ओके सर। रहने दे यार, इनको इतना क्यों परेशान कर रहा है? व्हाट डू यू मीन परेशान कर रहा है भाई? तुम्हारी सरकारी नौकरी से थोड़ी सी कम सैलरी देते हैं उसको, फ्री में नहीं है यार। और वैसे भी तुम्हारे उस सरकारी नौकरी में काम ही कहाँ होता है? ऐसा नहीं है यार, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तभी तो सिस्टम चल रहा है। सिर्फ कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा ठीक है, कुछ अर्जेंट ना हो तो बाहर चलें। अर्जेंट भाई, यहाँ अर्जेंट ही अर्जेंट। एक छोटी सी मीटिंग है, निपटा लेता हूँ, तब तक तुम अपना पानी पियो। अरे हीरालाल जी, आप तो अभी दाढ़ी। देखिए सर भी कंफ्यूज हो गए। अरे सर, आप जो सोच रहे हो वो हम नहीं है, वो हीरालाल है, यहाँ का चपरासी। अरे हम कर्मचारी है भाई, काम करते हैं। जानते हैं आनंद बाबू, दुनिया में एक आदमी का 7 हमशक्ल होता है, इसलिए आप भी कंफ्यूज मत हुई है। अच्छा ये बताइए, आप क्रिकेट खेलते हैं? IPL? अरे तो थोड़ा
वेबसाइट पे जाइए और वहाँ अपना पसंदीदा टीम पे पैसा लगाइए, और जैसे ही आपका टीम जीतेगा ना, आप भी खूब सारा पैसा जीतिएगा। अरे नॉलेज है ना जी, तो फोरा बेट पे जाइए, पैसा लगाइए और खेलिए। और जानते हैं फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा, वही फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा, तो जाइए जाइए। हाँ जा रहे हैं। सर जी पानी। थैंक यू हीरालाल जी। वैसे आपकी बॉस की मीटिंग कब तक चलेगी? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर, दो चार लाइन अंग्रेजी बोल के आ जाएंगे। ए सर आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जगमोहन सर के पास बहुत पैसा है, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सर। अरे हीरालाल जी, जिंदगी में सब कुछ पैसे से नहीं मिलता है, कुछ चीजें पैशन से भी मिलती है। क्या बात करते हैं सर, पैशन के लिए तो पैसा भी चाहिए ना सर। देखिए ऐसा है हीरालाल जी कि मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, जुनून की बात कर रहा हूँ। सर जुनून तो हमारा में बहुत है लेकिन पैसे नहीं है सर। देखिए हीरालाल जी, खाली ग्लास और एक इंसान हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा एक सपोर्ट ढूंढता है। वैसे पानी पिलाना भी पुण्य का काम है। सो थैंक यू सो मच। जी सर। सर आ गए। चले यार, एक ड्रीम था फॉरेन जाने का, बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसके कंप्लीट होते ही निकल लेंगे फ्रांस। कुछ भी कहो, अपनी जॉब में लाइफ थोड़ी बिजी तो रहती है पर ड्रीम सारे पूरे होते हैं। बात तो सही है यार तुम्हारी। अब तुम्हारा ही देख लो, घर का खर्चा निकल जाए, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले, इससे ज्यादा क्या सोच सकते हो यार। तेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री होती ना, रख लेता यार। सर कलेक्टर साहब से मीटिंग फिक्स हो गई। परफेक्ट। तुमने फाइल चेक किया? यस सर, मैंने चेक कर लिया, जो एरिया डिस्प्यूटेड था उसको मैंने मैप से हटा दिया, अभी सब कुछ परफेक्ट है। ओके गिव इट टू मी, मैं गली बलिया के लिए निकल जा रहा हूँ। तुम हो कहाँ अभी? लाल बंगला चौराहा। ओके वेट करो वहीं पे, मैं आ रहा हूँ। आप इनको जानते हैं? ये जी, ये हमारे स्कूलमेट है, सरकारी नौकरी में है बेचारे, अब इतने बड़े शहर में आए हैं तो सोचा घुमा देता हूँ। सर इसके लिए आप परेशान हैं, उसका सलूशन तो आप गाड़ी में ले घूम रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? सर ये जो इंसान है सरकारी नौकरी तो करते हैं लेकिन इस फाइल पे सिग्नेचर यहीं करेंगे, यही है बलिया का मजिस्ट्रेट डीपी श्रीवास्तव। सॉरी सर, वो आपको पहचान नहीं पाया। सरकारी नौकर को सॉरी क्यों बोल रहे हो दोस्त? दोस्त हो दोस्त ही रहोगे। हम तो आए थे तुमसे यहाँ कुछ और बात करने पर तुम तो अपने ही लेकर शुरू हो गए। खैर जो भी हो, सक्सेसफुल हो, बट यार कलम का कंपैरिजन उसकी स्याही से नहीं कर सकते। और अगर बाइक अपना कंपैरिजन पेट्रोल से करने लगे तो यह रास्ते तो खाली पड़ जाएंगे।
और हाँ, ये सरकारी नौकरी करने वालों का लाइफस्टाइल थोड़ा कमजोर हो सकता है, पर उनके स्याही में बहुत ताकत होती है। लाओ। तुम फ्रांस जाने की तैयारी करो, तुम्हारा काम हो गया। आएंगे अगली बार तो मिलना जरूर, और हाँ, मेरी बातों को दिल पे मत लेना। तो ऐसा है कि आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं, इसका मतलब यह है कि आप वीडियो पसंद कर रहे हैं। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में इस क्लाइमेक्स पे वन वर्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए। सारे कमेंट्स का इंतजार है इस बार मुझे, कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि सारे अपडेट्स वहाँ पे पहले मिल जाते हैं। और हमारे सजेशन देना चाहते हैं वीडियोस को लेकर, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी शिकायत भी करनी हो, अप्रिशिएशन देना हो, जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।